हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है उम्र कैसे निकालें। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी कैंडिडेट्स की एज निकालनी है, जो कि हमें बहुत सारे ओकेजन्स पे जरूरत पड़ती रहती है, जब कभी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो या ऑफलाइन वे में फॉर्म भर रहे हो, जहाँ कई बार हमें ऐसे भी किसी कैंडिडेट्स की अगर जरूरत एज निकालनी हो एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से, दो तरह की डेट्स में हमें मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, तो उन दोनों मेथड्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ही आप किसी कैंडिडेट्स की जो है वो पर्टिकुलर डेट पे या पर्टिकुलर डे पे आप जो है वो एज निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दिन दे रखा है, माह दे रखा है, वर्ष दे रखा है, आज की तिथि, अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो 5/7/2022 चला हुआ है, मीन्स कि 5 जुलाई 2022 आज की डेट है। और किसी कैंडिडेट्स की जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24/1/1992 है। तो अगर हमने इसमें कैलकुलेट करना है कि क्या एज रहेगी आज के दिन, कितनी एज का हो गया है कैंडिडेट, तो हम इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आ गए, 12 दिन 5 महीने और 30 साल। तो कैंडिडेट्स की एज अगर हम बात करें तो कितनी होगी यहाँ पे, 12 दिन के हो गया है बंदा, 5 जो महीने हो गए हैं और 30, तो 30 साल 5 महीने और 12 दिन एज आई है। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 24 है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली 5 में से हम 24 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस तरह से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे तो इजी है कि यहाँ पे क्या है, 7 है और यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली 7 में से 1 तो जो है वो माइनस हो सकता है, और आगे भी इजी था। बट जब यहाँ पे भी मंथ जो है वो स्मॉलर हो और जो कैलकुलेशन जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो वो ज़्यादा हो, तो कैसे माइनस कर रहा है, इन दोनों की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, दोनों मेथड्स की डिस्कशन करेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं दिन माह और बर्थ दे रखा है, डेट मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट की है, मतलब जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 30/6/2022 है, मींस कि 30 जून 2022 डेट सेलेक्ट की है, और डेट ऑफ बर्थ हमने 24/1/24 जनवरी 1991 जो है इसमें लेके चल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से इसमें कैलकुलेट करना है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 30 है, इसमें तो सिंपल वे रहेगा, तो यहाँ पे 24 है, इनको हम माइनस कर देंगे। और इसमें एक चीज़ नोट रखनी है, जो भी माइनस करना हम स्टार्ट करेंगे वो इस तरफ से नहीं, इस तरफ से स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, तो 30 से माइनस करेंगे हम 24, तो ऑब्वियसली आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 में से 24 जाते हैं तो यहाँ पे 6, आपके 6 डेज आ गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मंथ की बात करते हैं, तो 6 माइनस 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट अगर हम वर्ष की बात करते हैं, तो पहले तो यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 9 है, तो 2 में से 9 नहीं जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कैरी लेके 10 बन गया, और यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 9 गए 12 में से 9 गए, तो बच गया आपके पास 3। ओके, अब यहाँ पे कितने बच गए थे, यहाँ पे हमने कैरी लिया था, तो यहाँ पे 10 बने थे, उसमें से कैरी लिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए थे, 9 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी हमने कैरी यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे भी 1 बच गया था, तो 1 में से 1 0। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कितने आ गए टोटल, 06 05 और यहाँ पे 0031। तो अगर हम इस कैंडिडेट की एज कैलकुलेट कर रहे हैं 30 जून 2022 को, तो कितनी आने वाली है, 31 ईयर 5 मंथ एंड 6 डेज। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी कैंडिडेट्स की एज जो है वो पर्टिकुलर डेट पे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ की
वेरिएशंस रहती हैं वो ज़्यादा, मतलब कि बड़ी संख्या होती हैं एज कम्पेयर टू डेटो, जो पर्टिकुलर डेट होती है उस डे की। तो चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में मैंने इसीलिए यूज़ किया ये एग्जांपल। तो आप इसमें डेट देख सकते हैं 4/7/2022 मीन्स की 4 जुलाई 2022, और जो कैंडिडेट्स जिसकी डेट ऑफ बर्थ यूज़ की है हमने वो 13 नवंबर 1997 यूज़ की है। अभी आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 13 है, तो ऑब्वियसली 4 में से 13 माइनस नहीं होते हैं। यहाँ पे भी 7 है और 11 है, तो ये माइनस नहीं होते हैं, आपकी टर्म्स जो होंगे नेगेटिव आएंगी। तो अभी मैं इसमें बताऊँगा आपको कि कैसे हम इसको यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि आपको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा इस तरफ को। तो जब आप इस कैरी लोगे यहाँ पे, तो ये मंथ कौन सा है इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, कौन सा मंथ है, सेवंथ मंथ, और सेवंथ मंथ कौन सा होता है यहाँ पे, जुलाई, जुलाई मंथ होता है। और जुलाई मंथ में टोटल कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं अगर हम इसमें बात करते हैं। तो हमने क्या करना है, पूरा मंथ ही कैरी इस तरफ को लेके आना है, मीन्स कि 31 दिन हमने यहाँ पे लेके आ जाने हैं। तो अगर हम यहाँ पे डे कैलकुलेट करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 31 और 4, तो कितने हो गए यहाँ पे आपके, आपके हो गए 35 डेज। तो 35 डेज हो गए यहाँ पे आपके, जहाँ पे 4 थे, तो आपने माइनस कितना करना है, 13, ठीक है। और अगर आप इसमें से माइनस करते हैं, तो अभी माइनस कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास हुए थे 35 और 13, तो यहाँ पे 2 और 2, तो आपके पास 22 डेज हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22, ओके। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मंथ की तरफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक मंथ हम इस तरफ को ले जा चुके हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 मंथ। अभी 6 में से 11 नहीं जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से एक कैरी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक साल का कैरी यूज़ करेंगे, तो मीन्स कि यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। पूरा एक साल का कैरी यूज़ किया, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो यहाँ पे हमारे प्लस क्या हो जाएंगे, 12। 12 और 6 कितने हो गए, 18। अब टोटल हमारे पास 18 है, 18 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 11, तो 18 माइनस 11, तो कितना आ गया हमारे पास, 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7। और आगे चलते हैं अभी हम, तो यहाँ पे अब बन चुका है हमारे पास, यहाँ पे हम कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं 21, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में से 7 नहीं जाते हैं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, और यहाँ पे बन गए 11, 11 में से 7 गए तो 4, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, अब 1 है यहाँ पे, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी, यहाँ पे कैरी ऑन करना पड़ेगा और फर्दर ऑन लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 बन गए, 11 में से 9 गए, 2, और आगे यहाँ पे 9 थे, क्योंकि हमने कैरी यूज़ कर लिया हुआ था, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पे भी 1 था, 1 में से 1 0। तो ये आपकी एज आ जाएगी यहाँ पे, 24 ईयर 7 मंथ एंड 22 डेज। तो ये आपके डेज आ गए, ये आपका मंथ आ गया, और ये आपका ईयर आ गया। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप जो है एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी जो जन्मतिथि है उसमें डिजिट्स ग्रेटर आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो डेट चल रही है, प्रेजेंट डेट, और जिसमें ग्रेटर आ रहे हैं उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, और जिसमें छोटे हैं तो ईजी है कैलकुलेट करना विदाउट कैरी यूज़ किए, और कैरी यूज़ करके कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और, अगर आप आजकल कोई ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो डेज कैलकुलेट किए जाते हैं, जो ऐप्स, आप सोच रहे होंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम ऐप क्यों ना यूज़ करें इनको कैलकुलेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर जो उसकी कोडिंग में होती है वो पाई जाती है, जिस वजह से आपके जो नेगेटिव कुछ एक जो ईयर्स हैं वो कम ज़्यादा दिखाना स्टार्ट कर देता है, कि जो हमने कैरी वाला मेथड यूज़ किया है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है ऐप्स के अंदर। तो जिस वजह से जहाँ तो आपका ईयर कम चला जाता है, जहाँ फिर आपकी मंथ में वेरिएशन आ जाती है। तो इसलिए जो आपका इस तरह से मैनुअल मेथड है, इसी से आप जो एज इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।